अरे दुख आपके जीवन से यूं ही कैसे चला जाए। दुख कहता है, मुझे इतने मान सम्मान के साथ में आपने अपना बनाया है, मुझे आपने वेलकम किया है, आपने अपने दिल में जगह दी है, मन में जगह दी है, घर में जगह दी है, दिन रात मेरी सेवा की है, मैं यूं ही कैसे छोड़ दूं जब मुझे इतना मान सम्मान मिल रहा है ना। तो दुख को कम करने के लिए उसका वेलकम नहीं, उसकी इंसल्ट करके देखी तो दुख जरूर आपसे विदा ले लेगा। पता है दुख हमें बहुत चिढ़ाता है, उसे बहुत गुमान है अपनी शक्ति पर कि मैं हर किसी को हरा देता हूँ। वो अपनी इस शक्ति पर बहुत इतराता है। तो आइए दुख की इस शक्ति को अलविदा कहते हैं। कुछ इस तरह अपनी कोई खुशी के पल को याद करिए, अपने कोई बीते हुए खुशनुमा मोमेंट्स को याद करके देखिए और इस दुख को हम इस तरह से अटेंशन ना दें जैसे इस तरह से देते हैं। तो सुनिए, आपको पता है जब हमारे जीवन में कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या आती है, चाहे वो किसी बीमारी के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, हम उसका वेलकम इतने अटेंशन के साथ करते हैं, उसे अटेंशन के साथ अटेंड करते हैं और उसका वेलकम पूरे दिल से करते हैं। मन पूरा उस दुख को देकर के ही उसको वेलकम करते हैं। और जब हम किसी भी चीज़ का, किसी भी व्यक्ति का वेलकम जब पूरे मान सम्मान के साथ करते हैं ना, तो उससे बहुत खुशी होती है और वो कभी भी आपके जीवन से विदा लेने की कोशिश नहीं करेगा, वो जाने को तैयार ही नहीं होगा। हम अपने जीवन का सारा समय उस समस्या की तरफ ही लगा देते हैं और हम अपने अच्छे बुरे पलों को ना जाने कहाँ छोड़ देते हैं। हम अपनी खुशियों को उस दुख के सामने भूल जाते हैं। खुद का मन तो उसमें लगा कर रखते ही हैं, साथ में आसपास के सभी लोगों का भी उस दुख, उस समस्या की तरफ ध्यान खींचते हैं और वो इतना खुश होता है कि आपके जीवन से जाने की कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि आप उसे बहुत ही इज्जत, बाइज्जत उसे अपना बना लेते हैं। तो कैसे जाएगा? तो आप से अभी से उसका अपमान करके देखिए, उसके तरफ अटेंशन मत दीजिए, उसे अटेंड ही मत कीजिए, ना मन से और ना ही तन से। आप उसको इंसल्ट करिए अपने खुशी से, अपने हंसी से, तो देखिए वो कैसे बेइज्जत होकर आपके जीवन से छू मंतर हो जाता है। करके देखिए।